आज की रेसिपी के ये पिक्स देखकर आप सोच रहे होंगे कि क्या ये बिस्किट हैं। अब देखने में तो ये बिस्किट जैसे ही लग रहे हैं, लेकिन हैं ये शक्करपारे। तो आज के ये डिफरेंट स्टाइल में बने शक्करपारे यदि आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए ये मीठे मीठे शक्करपारे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले शक्कर पारे के लिए डो तैयार करेंगे तो एक मिक्सिंग बोल के अंदर डालेंगे 1.5 कप मैदा। मैदे के बजाय आप गेहूं के आटे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। 1/2 कप बारीक वाली सूजी डालेंगे। 1.5 कप पीसी हुई चीनी लेनी है। यदि आप साबुत चीनी ले रहे हैं और फिर पीस रहे हैं तो आप 1 कप चीनी का ले लें। साथ ही हम ले लेंगे 2 छोटे चम्मच तेल, लेकिन ये ऑप्शनल है, आप स्किप भी कर सकते हैं इसे। अब इसमें फ्लेवर के लिए इलायची का पाउडर डाल देंगे। पहले सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो इसमें जो भी मेज़रमेंट लें वो ध्यान से ही लें, क्योंकि यदि थोड़ा सा भी मेज़रमेंट ऊपर नीचे हुआ तो जो डो है वो अच्छे से नहीं बन पाएगा। अब इसके अंदर 2 से 3 छोटे चम्मच घी या तेल ऐड करेंगे और ज़रूरत के अनुसार दूध ऐड करेंगे। दूध ठंडा होना चाहिए, गर्म नहीं होना चाहिए। गर्म करके दूध को आप ठंडा कर सकते हैं। अब इसका हम डो तैयार करेंगे तो डो बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं लगाएंगे और बहुत ज़्यादा इसे सॉफ्ट भी नहीं रखना है। अब क्योंकि हमने इसमें पीसी हुई चीनी का इस्तेमाल किया है तो शुरुआत में ये थोड़ा हाथों के चिपकेगा, क्योंकि दूध डालने के बाद चीनी मेल्ट हो जाती है। तो हमेशा डो बनाते समय दूध ध्यान से ही डालें, बहुत ही कम दूध का इसमें इस्तेमाल होता है। तो आप देख सकते हैं जैसे जैसे हमने इसे नेड किया है ये अच्छा चिकना और स्मूथ हो गया है, और जिस तरह पूड़ी का डो हम तैयार करते हैं लगभग उसी तरह का डो इसका होना चाहिए। अब क्योंकि इसके अंदर सूजी है तो 20 मिनट हम इसे रेस्ट पर छोड़ देते हैं ताकि अच्छे से फूल कर सेट हो जाए। 20 मिनट बाद आप देख सकते हैं डो पहले की अपेक्षा थोड़ा सा हार्ड हो गया है, क्योंकि हमने इसमें सूजी ऐड की थी तो वो भी अच्छे से फूल गई है। सूजी डालने से ये काफ़ी अच्छे खस्ता बनते हैं और बहुत ही क्रिस्पी भी हो जाते हैं। तो एक बार फिर से मसलने के बाद अब हम इसे शक्करपारे बनाना शुरू करते हैं। तो एक प्लेट में हम मैदा ले लेंगे और एक फोर्क से हम डिज़ाइन देंगे। तो एक फोर्क ले लेते हैं, आप चाहें तो टूथपिक से भी डिज़ाइन दे सकते हैं, या फिर नॉर्मल जिस तरह चौकोर या डायमंड शेप आप बनाते हैं उसी प्रकार की शेप भी इसे दे सकते हैं। हथेलियों को मैदा से थोड़ा डस्ट कर लेते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया इसमें पीसी हुई चीनी है जो इसमें मेल्ट हो जाती है तो हाथों की डो चिपकेगा। तो इस तरह हमने एक छोटा सा इसका ये शेप बना लिया है, और फोर्क को भी मैदे से डस्ट करके हम इस तरह इस पर निशान बना देंगे। तो खाने में तो ये एकदम शक्करपारे जैसे लगेंगे, लेकिन देखने में ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो बस इसी तरह सारे डिज़ाइन बनाकर हम ये शक्करपारे तैयार कर लेंगे। तो अब इन शक्करपारों को हम डीप फ्राई करेंगे। तो डीप फ्राई करने के लिए आप चाहें तो तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 2 से 3 बैचेस में डिवाइड करके इन्हें हम डीप फ्राई कर लेंगे। तो जब आप एक बैच बना रहे हो तो आप धीरे धीरे दूसरा बैच भी तैयार कर सकते हैं, तो इससे आपके समय की भी बचत हो जाएगी। और जिस तरफ से हमने डिज़ाइन बनाई है उस हिस्से को ऊपर रखना है। तो मीडियम फ्लेम पर हम इन्हें डीप फ्राई करेंगे, क्योंकि ये काफ़ी सॉफ्ट हो जाते हैं डीप फ्राई होते समय। तो इसी तरह कढ़ाई को हिला लें ताकि ये नीचे चिपके नहीं और इनका जो कलर है वो बहुत ज़्यादा डार्क ना हो नीचे से। थोड़ी देर बाद हम इस तरह चला देते हैं इन्हें। अब क्योंकि ये अपनी शेप में आ चुके हैं तो इन्हें इस तरह पलटते हुए हम चला सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया इसमें मेज़रमेंट का आपको बहुत ध्यान रखना है। बहुत ज़्यादा इसमें घी हो गया या बहुत ज़्यादा इसमें चीनी हो गई तो डीप फ्राई करते समय ही ये टूटने लगेंगे। तो शक्करपारे बहुत ही आसान है बनाने, बस थोड़ी थोड़ी बातों का आपको ध्यान रखना होगा। तो थोड़ी देर बाद आप देख सकते हैं अच्छा इन पर कलर आ गया है। आप चाहें तो इसे और भी अच्छा डार्क ब्राउन कर सकते हैं। तो 1 से 2 मिनट हम इन्हें और पका लेते हैं। अब गैस का फ्लेम लो कर दिया है ताकि ये धीरे धीरे आराम से अच्छे से पकें। शक्करपारे शुरुआत में क्योंकि गर्म होते हैं तो ये इतने टेस्टी नहीं लगते हैं, लेकिन जैसे जैसे ये ठंडे होते जाते हैं तो ये काफ़ी खस्ता भी हो जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हो जाते हैं। और दूसरी बात कि इन्हें आप आराम से स्टोर करके भी रख सकते हैं 15 से 20 दिन के लिए। तो दिवाली आ रही है, काफ़ी सारे फेस्टिवल्स आ रहे हैं, तो ये प्रिपरेशन आप पहले ही करके रख सकते हैं यदि आपको शक्करपारे पसंद हो। अब ये अच्छे से डीप फ्राई हो चुके हैं, बहुत ही अच्छा कलर आ गया है इनका।
अभी ये काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, ठंडे होने के बाद ये काफ़ी खस्ता हो जाएंगे। तो सारे शक्करपारे हम इसी तरह डीप फ्राई करके तैयार कर लेंगे। तो ये हमारे बहुत ही टेस्टी लेकिन डिफरेंट स्टाइल में बने शक्करपारे तैयार हैं।